हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से, यानी दो ही उसके भाजक हैं। तो अगर दो भाजक के अलावा कोई तीसरा भाजक अगर किसी संख्या का आप ढूंढ ले जाएं, तो उसको आप क्या प्रूव कर सकते हैं आप, कि वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने का मतलब कि कम से कम एक भाजक उसका होगा जो उसके और एक के अलावा होगा। जैसे आप देखिए 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य है। 13, 17 ये सब अभाज्य है, क्योंकि ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो किसी अगर किसी को मान लीजिए 14 को देखते हैं, तो ये अपने और एक से तो कटता भी है, दो से भी कट जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या को अगर आप भाज्य प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करें, उसका कम से कम एक जो है आप गुणनखंड ढूंढ लीजिए, या ये प्रूव कर दीजिए कि वो इस संख्या से डिवाइड हो रहा है और वो संख्या वो खुद नहीं और एक नहीं है। तो हम लोग जो संख्या दी है उसको ध्यान से देखते हैं। ये है 7 × 11 × 13 + 13। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेट किए ही कुछ हम इसमें इधर उधर करके लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो 13 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा आपका, यहाँ 7 × 11 बचेगा और यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 13 × एक कोई नंबर हो गया आपका। तो ये जो आपका जो नंबर दिया था वो 13 का क्या है, गुणज है, 13 का गुणज है, यानी 13 से विभाज्य है। 13 × something लिखा है, यानी 13 से विभाज्य है। तो संख्या ये क्या होगा, संख्या 13 का गुणज है। गुणज का मतलब कि 13 × something है, तो 13 का गुणज है, अतः 13 से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा। तो 13 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या 13 क्या है, ये ना तो खुद संख्या है ना एक है, तो आपने एक जो है उसका गुणनखंड ढूंढ लिया 13, तो इसका मतलब 13 से विभाज्य होगा, अतः संख्या अतः ये एक भाज्य संख्या है। फिर सेकंड जो दिया है उसको हम लोग देखते हैं। जो सेकंड वाला नंबर आपको दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे कि मल्टीप्लाई करके सब कैलकुलेट करना शुरू कर दे। हमको केवल ये देखना है ध्यान से कि ये किसी का गुणा जब लिख सकते हैं, यहाँ से आप 5 कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + यहाँ से 5 × 5 ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, संख्या 5 × इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, तो ये क्या है, 5 का गुणज है, यानी 5 से विभाज्य है। संख्या 5 से भाज्य है, यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब कि उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, वो खुद के खुद से तो डिवाइड होगा ही, एक से डिवाइड होगा, अगर आप कोई तीसरा ढूंढ लेंगे नंबर कि जिससे डिवाइड हो रहा है, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली आपको बता दिया जाए कि क्या करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे डेवलप होता है। तो ये मान लेते हैं हम, ये वृत्ताकार मैदान है आपका, ये इसी के चारों ओर आपका जो है रोड है, ये आपका क्या है, ये आपका रोड है। इसे फिर आपको चलना है। तो क्या कह रहा है कि एक सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी अगर कहीं स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जाए तो यहां से अगर चल के सोनिया पूरा फिर यहाँ कितने समय बाद पहुंचेगी, 18 मिनट बाद, क्योंकि 18 मिनट में वो एक पूरा चक्कर लगा लेगी। रवि क्या करेगा, अगर उसी स्थान से शुरू करके वहीं दोबारा कितने टाइम बाद पहुंचेगा, वो 12 मिनट बाद पहुंचेगा। तो वह दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं। रवि और सोनिया दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो अगर इसको प्रारंभिक स्थान मान लिया जाए तो ये कितने समय बाद दोनों फिर यहां इकट्ठा होंगे। तो इसको ऐसे देखते हैं, एक रवि है और एक सोनिया है। रवि सोनिया, सोनिया 18 मिनट लेती है और ये 12 मिनट। अब देखिए सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो यहाँ कितने मिनट बाद पहुंचेगी, 18 मिनट बाद। फिर उसी स्थान पे कितने मिनट बाद पहुंचेगी, फिर 36 मिनट बाद। फिर उसी स्थान पर कितने दिन देर बाद पहुंचेगी, 54 मिनट बाद, क्योंकि 18 18। तो ऐसे देखिए सोनिया जिस स्थान पे चली है उस स्थान पे दोबारा या तो 18 मिनट बाद पहुंचेगी या 18×2 मिनट बाद पहुंचेगी या 18×3 मिनट बाद या 18×4 मिनट बाद या 18×5 मिनट बाद या 18×6 मिनट बाद, यानी ये 18 के गुणज मिनट में ही वहां पे पहुंचेगी, क्योंकि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो फिर अगर दो चक्कर लगाएगी फिर वहीं पहुंचेगी तो 36 मिनट बाद पहुंच सकती है या 18 मिनट बाद। बीच के टाइम में वहां पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 18 मिनट पूरा जब हो जाएगा तो फिर वहीं पे आ जाएगी। और रवि 12 मिनट लगते हैं तो 12 मिनट में वहीं से चल के वहीं 12 मिनट में पहुंच जाएगा, या 12×2 या 12×3 मिनट या 12×4 मिनट या 12×5 मिनट, यानी 12 के गुणज में ही वहां पे पहुंचेगा उसी स्थान पे शुरू करके। तो इसमें ये देखना है कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि वो टाइम दोनों का जो सेम हो, जैसे 18 मिनट बाद वहां पहुंचेगी ये 36 मिनट बाद या 36 मिनट बाद या 54 या 72 या 90 ये और ये 12 या 24 या 36 या 48 या 60, तो इनमें जो सबसे पहला नंबर जो दोनों में कॉमन होगा। तो अब हमको क्या लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि 12 और 18 का क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ 18 का मल्टीपल लिखा है और यहाँ 12 का, तो दोनों में वो जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो हम लोग क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आप क्या निकालिए, एलसीएम ऑफ 12 and 18। ये तो ये पूरा समझिए कि एलसीएम ही क्यों निकाला गया, क्योंकि ये 12 मिनट बाद पहुंचता है रवि, तो 12 मिनट बाद पहुंचेगा वहीं पे, या फिर दूसरे चक्कर लगा के 24 मिनट बाद फिर, या 12×3 मिनट बाद या फिर 12×4 मिनट बाद, ऐसे ऐसे टाइम पे वो पहुंचेगा जिस टाइम पे, और ये 18×1 मिनट पे 18×2 मिनट पे, तो जो टाइम सबसे पहले मैच कर जाएगा, यानी दोनों 12 के गुणज और 18 के गुणज में जो सबसे छोटा गुणज होगा जो कॉमन होगा। तो एलसीएम निकालना है 12 and 18 का। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख दें तो 2×4 = 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2×2×3, और 18×2×6×3=18, ये लिख देते हैं 2×3×2।
तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात, पहले 3 के पावर 2, ये दो कॉमन है यहाँ भी यहाँ, तो दो की जो होगी दोनों में सबसे बड़ी घात, तो दो कॉमन है तो दो की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 भी कॉमन है तो इंटू 3 की सबसे बड़ी घात, ये 3 और कुछ बचा नहीं। अगर बिना कॉमन वाले बचे होते तो वो भी उतर जाते, तो ये क्या हो गया 2 × 4 और 3 × 3 = 9, ये क्या आ गया 9 × 4 = 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 आया, ये 18 मिनट यहीं से जब चलेगा सोनिया तो 18 मिनट बाद पहुंचेगी, 36 मिनट बाद पहुंचेगी, 54 मिनट बाद पहुंचेगी, 72 मिनट बाद पहुंचेगी, और ये 12 मिनट बाद वहां उपस्थित होगा, 24 मिनट बाद वहां पर उपस्थित होगा, 36 मिनट बाद वहां पर उपस्थित होगा। तो सबसे पहला जो मैच कर गया, जो दोनों का गुणज जो कॉमन है, ये 36 दोनों का गुणज है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, दो संख्याओं वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं का गुणज हो, वो होता है एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग आप दिमाग में बिठा के रखिए कि जब दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का गुणज होती है, यानी 36 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 का भी गुणज है और 18 का भी गुणज है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।